अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सब ठीक होंगे। हेयर मिस इकरा अमानत, आपकी साइंस टीचर और इंचार्ज टीचर। स्टूडेंट, टुडे हमारा जो साइंस का टॉपिक है, जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है यूनिट नंबर 4, अदर लिविंग थिंग्स। आपका जो सेकेंड टर्म का जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट है यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 जिसके नेम क्या है, अदर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, इसके वर्ड से आप फेमिलियर हो गए। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, जितनी भी चीज़ें ग्रो करती हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स के बारे में हम यहाँ पे फर्दर स्टडी करेंगे, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट के बारे में, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो आपके पास लिविंग थिंग्स मौजूद होती हैं उसके बारे में भी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक फंजाई। लेकिन उससे पहले हम ये जो आपको यहाँ पे पिक नज़र आ रही है, हम कुछ डिटेल में आपको इसके बारे में भी बताती हूँ। ये जो पिक आपको नज़र आ रही है ना, ये किसकी है, लुईस पाश्चर साइंटिस्ट की है, फ्रेंच साइंटिस्ट। लुईस पाश्चर साइंटिस्ट है और इसने फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी भी किया और इसकी डिटेल भी हमें दी। लेट्स रीड फ्रॉम हेयर। देयर आर अ फ्यू लिविंग थिंग्स डैट आर नॉट एनिमल्स और प्लांट्स। कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जो कि ना तो एनिमल्स होते हैं और ना ही प्लांट्स होते हैं। लेट्स आस्क लुईस पाश्चर अबाउट देम। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। ही लिव्ड इन 19th सेंचुरी इन फ्रांस। ये जो आपको पिक नज़र आ रही है, ये किसकी है, साइंटिस्ट लुईस पाश्चर की। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक फंजाई। इसके स्पेलिंग FUNGI, इसे आपने फंगी नहीं पढ़ना, ये आपको इसे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, फंजाई। नेट स्टार्ट रीडिंग। फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट क्लासीफाइड फंजाई एज प्लांट्स। बहुत देर तक, बहुत टाइम पहले भी और बहुत टाइम गुजरने के बाद भी, काफ़ी देर तक यही समझा जाता था कि फंजाई क्या है, प्लांट्स हैं। हाउएवर, द मोर साइंटिस्ट लर्न अबाउट फंजाई, द मोर दे रियलाइज दे बिलोंग इन अ किंगडम ऑफ देयर ओन। जैसे जैसे साइंटिस्ट ने मज़ीद